हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आईक पर साथियों एक बार फिर से यहाँ पे पैरामेडिकल के पदों पर वैकेंसी जारी कर दी गई आप यहाँ पे देख सकते हैं पैरामेडिकल के अलग अलग पदों पर वैकेंसी है जैसे कि लैब अटेंडेंट के लिए अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी दस हैं दोस्तों दस पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है फार्मासिस्ट के लिए एक पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी है नंबर ऑफ पोस्ट दो हैं पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों यहाँ पे 11 रहने वाली हैं बहुत शानदार वैकेंसी है दोस्तों अगर हम बात करें और ये वैकेंसी किसके द्वारा जारी की गई है कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या सैलरी रहने वाली है पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है उसके द्वारा ये हाल ही में तेरह दो दो हजार तेईस को ही ये दोस्तों वैकेंसी जारी की गई है इसमें दोस्तों एम्स में ये वैकेंसी रहने वाली है एम्स दिल्ली में जो एम्स हॉस्पिटल है दिल्ली की उसमें ये प्योरली दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये वैकेंसी जारी की गई है लेकिन सैलरी दोस्तों शानदार रहने वाली है पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट ग्यारह है दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल यहाँ पे टाइम बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है लाइफ साइंस के अंदर और दोस्तों अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की एटलीस्ट एक साल का दोस्तों एक्सपीरियंस इसमें हॉस्पिटल का यहाँ पे मांगा गया है तो पैंतीस वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो पोस्ट यहाँ पे डिवाइड कर दी गई है नंबर ऑफ पोस्ट इसकी इलेवन तो अनरिजर्व कैटेगरी के, के लिए तीन ओ के लिए तीन एस के लिए दो एस के लिए एक जी के लिए एक पी पीएच के लिए एक और इनकी जो सैलरी है इक्कीस हजार नौ सौ सत्तर रुपये रहने वाली है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी दो हैं जिसमें बी एस डिग्री इन स्पीच जो हेयरिंग फ्रॉम रिकोगनाइज बोर्ड्स के द्वारा यहाँ पे मांगी गई है रजिस्टर्ड विद जो रेवलिएशन काउंसिल में यहाँ पे मांगा गया है एम अगर इन स्पीच में हेयरिंग में है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं चालीस वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं तीन ही पोस्ट इसमें नंबर ऑफ पोस्ट दो हैं और जिसमें पच्चीस हजार इनकी सैलरी रहने वाली है लैब अटेंडेंट की हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी दस हैं दोस्तों इसमें बारहवीं पास विद दो साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस लैब अस लैब अटेंडेंट की पोस्ट पे इसमें मांगा गया है जिसमें अगर हम बात करें कैटिगरी अनरिजर्व कैटेगरी में दो है ओबीसी के लिए तीन एससी के लिए दो एसटी के लिए एक ई के लिए एक और पीएच के लिए एक वैकेंसी है जिसमें बीस हज़ार दो सौ दो इनकी सैलरी रहने वाली है और फार्मेसिस्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है दोस्तों जिसमें डिप्लोमे इन फार्मेसी रिकोगनाइज बोर्ड के द्वारा मांगा गया है और रजिस्ट्रेड फार्मेसी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी मांगा गया है अंडर जो एक्ट 1948 के तहत और जिसमें दोस्तों बात करें बाईस हजार सात सौ नब्बे रुपए इनकी सैलरी रहने वाली है बहुत शानदार वैकेंसी अब इसमें कैसे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपको विजिट करना होगा दोस्तों जो बी ई सी आई एल की जो वेबसाइट है इस पर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको और अगर कोई क्वायरी रहती है तो आप इस पर ई मेल पे या जो टेलीफोन नंबर दिया है इस पर आप पता कर सकते हैं इससे रिलेटेड और इसकी जो लास्ट डेट क्या रहने वाली है तो लास्ट डेट दोस्तों छब्बीस दो दो हज़ार तेईस इसकी लास्ट डेट रहने वाली है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे, यह पे दोस्तों फॉर्म फिल करने का यहाँ पे दिया गया है आप जैसे ही भी जो साइट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो वेबसाइट है तो इससे सिलेक्शन एडवर्टाइजमेंट नंबर एंटर बेसिक डिटेल एंटर एजुकेशन डिटेल वर्क एक्सपीरियंस अपलोड स्कैन फोटो सिग्नेचर बर्थ सर्टिफिकेट टेंथ सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन रिव्यू मॉडिफाई पेमेंट ऑनलाइन मोड आपको करना होगा ई मेल स्कैन तो दोस्तों ये अगर हम बात करें इसकी आपको जो ऑनलाइन फॉर्म के लिए क्या क्या फ़ीस रहेगी तो जनरल के लिए आठ सौ पिचासी रुपये अगर एक्स्ट्रा आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पाँच सौ नब्बे रुपये अलग से देने होंगे ओबीसी की बात करें तो आठ सौ पिचासी रुपये पाँच सौ नब्बे एक्स्ट्रा ऑडिशनल जो एक्स्ट्रा फी यहाँ पे एवरी एडिशनल पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एससी एसटी के लिए पाँच सौ इकतीस तीन सौ चौवन एक्स्ट्रा एवरी एडिशनल अप्लाई के लिए देना पड़ेगा और अगर हम बात करें दोस्तों जो एक्स सर्विस मैन के लिए भी आठ सौ पचासी रुपये देने होंगे वुमेन के लिए आठ सौ पचासी रुपये और पाँच सौ नब्बे रुपये एक्स्ट्रा जो एवरी एडिशनल पोस्ट के लिए ई डब्ल्यू एस के लिए पी पीएच के लिए पांच ये देने होंगे तो फीस इसमें यहां पे फॉर्म में लगेगी तो अगर हम बात करें दोस्तों इसके ऑफिशियल पी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है जिसका ऑफिशियल पी हम आप वहाँ पर अपलोड करा देंगे और वैकेंसी जो एडवर्टाइज नंबर है इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए दो ये वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर है इससे रिलेटेड जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं साथ ही पी के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ ही दोस्तों ऐसी वैकेंसी के लिए आप हमारे चैनल परमानेंट जुड़ सकते हैं और दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की और दोस्तों लाइक करने का यहां पे जरूर कोशिश करिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं स्टूडियो में है। थैंक यू सो मच